सूद का तो जिक्र किया, मूलधन भी खा गया। यहाँ पर देखते हैं अक्सर अगर कर्जा ब्याज में रुपया कोनो काम से लेते हैं ना सेठ महाजन से, जब पैसा देने का बारी आता है तो कह देते हैं कि सेठ जी महाजन जी ऐसा कीजिए ना, मूलधन ले लीजिए, ब्याज ना है, हम नहीं दे पाएंगे ब्याज, मूलधन ले लीजिए। और कोई तो ऐसा भी कह देते हैं कि हम जानबे नहीं करते हैं कि आपका पैसा लिए, ऐसा भी कहने वाले हैं इस धरती पर। लेकिन इस परमपिता परमात्मा के द्वारा जो यह शरीर दिया है, जब इनको ले जाने के लिए आएगा तो उस समय जानते हैं क्या क्या होगा। अब भजन के माध्यम से सुनेंगे। जब वहां पर जाने के बाद, जैसे आज हमारे राजेंद्र बाबू का आत्मा जब भटकते भटकते धर्मराज के दरबार में जाया गया, वहां पर सवाल हो रहा है, पंचायत हो रहा है, और ये धर्म सभा कहां लगा है? ऊपर में, यही तो धर्म सभा है ना, यही तो धर्म सभा है। आज उनके नाम से ताली बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका जय घोष कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर गलत कर्म करके आदमी यहां से मरता है तो उनके लिए गाली देते हैं, क्यों? वही तो धर्म सभा है, यही धर्म सभा है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, मरने के बाद कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि धर्म की डिग्री होगी तो धर्म की डिग्री होगी, काल की कुर्की आएगी, हर जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर दी जाएगी। यहां बेईमानी कर लीजिएगा, लेकिन वहां पर बेईमानी कीजिएगा ना तो नीलाम भी हो जाता है। जिस तरह सरकार का लोन लेते हैं, नहीं देते हैं तो नीलामी कर देता है, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति यहां पर आकर भक्ति भजन नहीं करता है उनका नीलामी किस प्रकार से होता है जानते हैं? आधे उम्र में उसको लेके चले जाता है यहां से, क्योंकि परमात्मा भी देखता है कि तुमको कहां भेजे, तुम क्या कर रहा है, वो गलत सलत करने लगता है, बोलता चलो तुम्हारा टिकट यहां से कट गया, यहां तुम्हारा काम नहीं है, और रहेगा तो और बर्बाद करेगा, इसीलिए चलो यहां से। इसीलिए कहते हैं अरे माया की है नगरी, ये क्या है, ये सब माया की नगरी है। और आज इस माया की नगरी से हमारे राजेंद्र बाबू चले गए, सिर्फ अपनी याद को, कर्म को छोड़कर चले गए हैं, उनकी याद को हम लोग, हाँ उनके याद को हम इस भजन के माध्यम से गुनगुनाते हैं और कहते हैं सीमा।
इनके तरफ से एक बार फिर से 101 रुपए का दान सुर पाए गुरु के दरबार तक। हम सभी गुरु भाई गुरु वहां से आ कर गए हैं कि ये सब परिवार मंगल में बने रहे, और साथ ही साथ आप हैं नन्ही सी प्यारी सी बच्ची संतोषी कुमारी गुरु भाई ना, जो कि ग्राम भवानीपुर वासा से चलकर आए हैं, उन्होंने भी गुरु के दरबार में 101 रुपए से हाजिरी लगाए हैं। हिसाब होता है, और कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियों में लिखा है, एक कर्म जो किए तूने जब जवाब पूछेगा, गुरु की अदालत से बच के कहां लेकिन वहां घूस देकर छूट जाते हैं, लेकिन गुरु का दरबार में जब दरबार लगता है वहां पर कोई रिश्वत कोई घूस काम नहीं आता। तो कहते हैं अरे रिश्वत ना काम आएगा, रिश्वत ना काम आएगा, सब सजा सुनाएगा। छूट जाएगा माया की है नगरी, पल में छूट जाएगा।